बैंक निफ्टी में देखते हैं अच्छा मूव कर रहा है। अभी 48,770 पे है तो देखते ना ना इसको। हम इसका वो निकाल लेते हैं। इम्यूनिटी में यहाँ पे कर सकते हो अगर पर इसका ये 25 तो होगा ही टारगेट। देखते हैं आज के लो तक का टारगेट होगा इसमें भी फिर निफ्टी में जैसे हमने इसमें बनाया था। बैंक निफ्टी में तो यही है हमारा ये स्टॉप लॉस होगा हमारा टारगेट। ये देखो पहले होगा 1:1 का ट्रेड है 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये HDFC और ICICI देखते क्या करता है भाई आज ये बार बार ये करते जा रहा है। SBI कहाँ है SBI स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी। अभी देखते हैं ये नीचे की तरफ काटेगा क्या नहीं काटेगा। क्योंकि भाई अभी ट्रेड लेने का फायदा नहीं क्योंकि अभी 2 मिनट क्योंकि थोड़ी देर तक ट्रैप चल रहा है मार्केट में। बैंक निफ्टी में कहीं मत जाना ना अप पे अभी ना डाउन पे अभी थोड़ा सा रुकना बैंक निफ्टी में। जब तक ये निकालता है क्या नहीं जब तक नहीं निकलता। और फिम निफ्टी में देख लो फिम निफ्टी में 21,670 है यहाँ पे सब चेंज करके तब नीचे निकालेंगे ना तो फायदा है। और ये सब एक साथ निकालेंगे याद रखना। ये देखो जब ये जब हमने ट्रेड लिया था ना यहाँ पे जब हम पिछली लाइव में आए थे तो ये वाला जो लेवल था ना जब ये नहीं काटा तो हमें वो हो गई थी टेंशन। ये हमारा सुबह का ये है ट्रेड बिल्कुल अच्छा ट्रेड मिला जैसे कि यहाँ से रेंज बनाई और सीधा काट दे नीचे। अब ये ऐसा बनाया और यहाँ भी एक अच्छी सी रेंज बनाएगा इसी लेवल पे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट है। अगर ये वाली रेंज बना के तोड़ेगा ना तब हमें प्रॉफिट है भाई। डाउन पे जा नहीं पा रहा ये टाइम स्पेंड करेगा तभी जाएगा।
कम्युनिटी में 600 600 पर तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, हो गए ना अगर कम्युनिटी में 650। पूछ रहा अब तो इसके हेड ऑन शोल्डर बन गया भाई निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखो यहाँ से ऊपर गया, एक हेड बनाया, ये एक शोल्डर बनाया, हेड बनाया, शोल्डर बनाया, और फिर यहाँ से रीटेस्ट भी कर दिया एक बार, काटा रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद नीचे आ रहा है एक बार, और थोड़ा सा रीटेस्ट करके नीचे आए, या यहीं से नीचे आ जाए वो देखना है हमें। और यहाँ पे एक वो बन सकता है हमारा, अगर ये पहला वाला ट्रेड यहाँ तक आएगा, पहला टारगेट ये है, छोटा सा टारगेट है, और दूसरा टारगेट ये धीरे धीरे जा रही है ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग में ना वो चलता है कि हाँ भाई धीरे धीरे, कभी भी तो नीचे तो धीरे धीरे आती नहीं, नीचे तो एकदम से आती है, तो दिमाग में थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। ये हमारा काटने की को कोशिश कर रहा है, 48,766 हमारा काटने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी में। इस ये स्ट्रॉन्ग लेवल है ना यहाँ पे, 48,776 का ना स्ट्रॉन्ग लेवल है, और इसने बुधवार कर दिया है, काटने लग रहा है, काटने लग रहा है, काट काट के देखते हैं कितना काटता है, काटते तो अच्छा है, अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे हमें यहाँ पे। ये इसमें निफ्टी में भी एक ट्रेड बन सकता है, पर अभी लेना नहीं है ट्रेड, तो मार्केट ना बहुत वोलेटाइल है इस वक्त, तो ट्रेड लेने का मन नहीं कर रहा सही बताऊँ तो, इतनी वोलेटाइलिटी में ना ट्रेड से आया नीचे हल्का सा करा ऊपर ले गया, इतनी वोलेटाइलिटी में ना ट्रेड लेने का मन नहीं करता यार।
ऊपर की तरफ तो बढ़िया निकाल रहा है यार, अब तो पता नहीं कैसे करेगा क्या नहीं करेगा यार। सारे के सारे नीचे की तरफ व्यू है भाई, काट रहे काट रहे काट रहे। ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है ना इस निफ्टी बैंक निफ्टी में, अच्छी तरह काट रहे सारे। मिला प्रॉफिट ये तो मजा आया इसमें। हाँ कितना मज़ा आ गया, बंदे ने बढ़िया दे दिया। ये एस बी आई वैस बी आई सारे इसको सपोर्ट कर रहे, इसलिए तो नीचे आ गया था ये। बैंक निफ्टी में तो सिंपल पैटर्न था, कोई भी बच्चा बच्चा भी ट्रेड कर सकता था, इतना सिंपल पैटर्न बन के नीचे अपना तोड़ा इन्हें बताइयो। ठीक है यार ऐसे ही होना चाहिए भाई, इतना वो नहीं करना चाहिए। जिन बंदों ने देखा होगा भाई उनको तो प्रॉफिट बन ही गया होगा, एक आधों को। ठीक है यार अब इतने ट्रेड ना बहुत होते हैं दिन में, एक बार में ही इतने ट्रेड तो बहुत होते हैं यार, और कितना बस में। नेक्स्ट वीक से हम भी ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, मतलब सबके सामने ट्रेड लेंगे अपना लोट वोट साइज लगा के जैसे। वैसे तो वो ट्रेड होता है पीछे पीछे, ऑनलाइन अब सामने ट्रेड होगा सबके, देखते कैसा करते हैं। फिर तुम्हारे सामने लाइव ट्रेड होगा ना को होगा कि।
निफ्टी में तो सुबह से अच्छा मूव मिल गया था, बैंक निफ्टी में मूव नहीं आया था नीचे की तरफ, वो इस कैंडल ने मार ही दिया। अब देखते कितनी देर तक चलता है, कहाँ तक। वोल्ट ज़्यादा वो है ना, ऊपर नीचे ज़्यादा खसराज, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, वरना तो बढ़िया ट्रेड था यार ये। अभी 48,695 पर ट्रेड कर रहा है हमारा, ताकि हाँ भाई एक राउंड फिगर रेंज पे रुकेगा। ये 48,000 रुपये तक का वो था कि हाँ भाई 48,000 एक वो है रेंज, 48,700 हमारी ये रेंज थी, अच्छी थी ये। हर 100 100 पॉइंट पे ना ये वो करता ही है हडल।
जो सुपर निफ्टी में मूव मिला ना, वैसा मूव नहीं मिलेगा लग रहा है। सुपर निफ्टी में जो मूव मिला, तो मज़ा तो आ गया एकदम ही। बहुत तगड़ा मूव मिला भाई। यार ऐसे ट्रिप मूव मिलना चाहिए यार, फटाफट मूव मिला ऑप्शन बाइंग में, तो यही होना चाहिए। तो ये डिट्टो, यही रेंज बताई थी कि यहाँ ना बंदा ये ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि ये पहले भी इस रेंज में ऊपर नीचे करा हुआ है ये।
ये ना बहुत गलत बात है। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे इनने इस रेंज कल इसी रेंज में बहुत देर तक घुमाया था, वैसे यहाँ पे भी इतनी रेंज में घुमा रहा है। तो ये बहुत इससे फर्क पड़ता है यार। अब इसी रेंज से अभी ये यहाँ ऊपर ऊपर रेंज बना के निकाले ना, तब भी मजा आए। अभी इस रेंज को ना बहुत देर तक यहाँ से निकालेगा ना यार, बहुत सारा प्रीमियम घटेगा। प्रीमियम की दिक्कत पड़ती है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में चाहिए पर तरह से मूव। बढ़िया मूव आएगा ना तभी प्रॉफिट होगा इसमें। भाई बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी अच्छा। अब क्योंकि निफ्टी ने तो इतना अच्छा मूव दे दिया, और बैंक निफ्टी ने कहा इतना अच्छा मूव नहीं है। बैंक निफ्टी में तो जो हमने ट्रेड करा था, बस थोड़ा सा ट्रेड करा था, यहाँ तक ट्रेड करा था बस। ये तो सारा तो बचा हुआ था ना इसमें। अब ये यहाँ रुकेगा ही, इसकी सपोर्ट है पहले की कल की। जहाँ कल टाइम बिता रहा था, आज भी वही टाइम बिताने लग गया। यहाँ पे खड़ा होके निकालेंगे ना तब आएगा मजा। तो बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। हेड एंड शोल्डर निकाल रहा है अपना दोबारा, एक रिटेस्ट मारा हल्का सा, दोबारा नीचे को निकालने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं यहाँ से निकालता है तो फिर कहाँ तक इसका टारगेट है। यहाँ पे भी देखो यार, एक खुली जगह हो ना तो वहाँ बड़ा प्रॉफिट बनने के चांस है। अब यहाँ ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट ज्यादा है। फिर निफ्टी भी बढ़िया कर रही है देखना जाए तो। फिर निफ्टी ने दो तीन कैंडल बनाई यहाँ पे ही। अब ऐसे निकाल, पर ये ऐसे नहीं निकाल रहा ना, ये थोड़ा सा अलग निकाल रहा है। देखते कैसे, अगर ज्यादा निकालेगा कि नहीं। ये बैंक हो गए ना, बैंक SBI हो गया, ये सब ना ऊपर तो गए थे और निकाल लिया भाई। भाई बैंक निफ्टी ने निकाल लिया और अपना टारगेट दे दिया, अपनी यहाँ था और यहाँ तक हमारा लास्ट वो था कि यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। पूरी रेंज का इतना मतलब ये था, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या हिसाब था इसका। नहीं पॉइंट यहाँ बने, इतने पॉइंट यहाँ बनने। ये देखो ये टारगेट था अपना और ये टारगेट हो गया कंफर्म। भाई ऐसे ही ट्रेड लिया जाता है, ऐसे ही मजा आता है। अपना ट्रेड मिला, अपना मजा आ गया। भाई अपना टारगेट तो पूरा कर दिया इन्हें। देखते हैं और कितना ले जाएगा नीचे। बायर का ठीक है यार। भाई देखो नहीं, फिर निफ्टी भी निकाल रहा है। निफ्टी में भी एक अच्छा बन गया ट्रेड निफ्टी। निफ्टी अपने इस लेवल पे आ गया भाई, ये लेवल इसका सपोर्ट था निफ्टी का, ये वाला। निफ्टी ने तो बहुत अच्छे। हम मैं जब पता था कि ये जब जब हाई पे आएगा वहाँ से अच्छी करेक्शन देगा, अच्छी करेक्शन देगा, अच्छी करेक्शन देगा, अच्छी करेक्शन देगा, और उसने वही करा। हाई पे आया, अच्छी करेक्शन दी। इलेक्शन का टाइम है, सबको पता है।
तो इस चीज को इसको समझो समझो। भाई। हमारा टारगेट हो गया बुक। अरे थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा दिया मैंने। हमारा टारगेट हो गया बुक। ऊपर की तरफ हमारा यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर बना था, इसका पैटर्न का टारगेट है 47 पॉइंट। नीचे की तरफ 147 पॉइंट मिल गए, हमारा टारगेट बुक हो गया बैंक निफ्टी में। और आज निफ्टी में भी ट्रेड मिले, दो निफ्टी में ट्रेड मिले, एक बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर। बिल्कुल आराम से यार हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला, कोई बच्चा ही बता देगा यार ये तो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, बिल्कुल आराम से। कोई बच्चा बता देगा ये इसके दो, ये रहा हेड शोल्डर, हेड शोल्डर रिटेस्ट करा, सीधा नीचे मारा। और क्या चाहिए भाई, ऐसे ही तो करेगा यार। और थोड़ी ना कि यहाँ पे ये टाइम नहीं बिता रहा, टाइम बिता के निकालेगा ना निफ्टी तो बहुत नीचे निकाल देगा। सुबह निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिल गया, बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिल गया। बैंक निफ्टी ने 147 पॉइंट दिए, जैसे इसका ऊपर का टारगेट था वैसे नीचे का था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है, पर हमारा टारगेट हो गया बुक। हाँ अब जो नीचे और ले जाना चाहता है वो थोड़ी सी क्वांटिटी रखो, ज़्यादा ऊपर की थोड़ी बुक कर लो। ये हमारा फिर निफ्टी का टारगेट अभी रह रहा है। दिन काट दिए ये लेवल।
तो बैंक निफ्टी में 5 साल प्रॉफिट बुक कर सकते हो तुम सब। इतना मूव आने के बाद भी बस प्रीमियम सिर्फ डबल हुआ है, ये तो देखो। इतना अच्छा मूव आने के बाद भी
बैंक तो ट्रेड बन रहा है एक बढ़िया। ये ट्रेड हो सकता है बढ़िया भाई, देख के रहना। एक हेड एंड शोल्डर का नीचे का तो मिल गया, ऊपर का देखते हैं अगर रिवर्सल आ सकता है तो इस मोमेंट पे। हम ये रख सकते हैं, काट रहा है ऊपर की तरफ, काट दिया एक तरह से। देखते रहो भाई, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है इस वाले ट्रेड में, बहुत रिस्क वाला ट्रेड है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क का ट्रेड है। रिवर्सल पर ले रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क बहुत होगा, याद रखना। पहला टारगेट तो भाई बुक हो गया एक तरह से, 1:1। बैंक निफ्टी में फ्रेश एंट्री मत करना भाई, पहले बता रहा हूँ। पुरानी जो लेके बैठे हुए हैं उन्हीं के लिए ठीक है बैंक निफ्टी। 1:1 तो मिल ही गया है हमें बैंक निफ्टी में, वहाँ टारगेट देखते कब तक का है।
न्यू एंट्री मत करना भाई बिल्कुल भी, कहीं न्यू एंट्री करो भाई, न्यू एंट्री बिल्कुल मत करना, न्यू एंट्री करोगे तो भाई फंस जाओगे। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है यहाँ पे न्यू एंट्री के हिसाब से, इतना टारगेट मुश्किल मिलेगा। रिवर्सल पे लिया था ये हमने ट्रेड, 1:1 तो बुक हो गया है बंदों का, इसमें हम लॉस में नहीं मुश्किल जाएंगे, लॉस में अगर जाएंगे ना तो एग्जिट कर लेंगे जल्दी अपने टाइम पे। छोटा स्टॉप लॉस लगाया इसलिए हमने, क्योंकि हमारा दूसरा ट्रेड था ना इसीलिए। एक दो कैंडल बना के अगर ऊपर की तरफ निकालेंगे ना तो अच्छे से तरह निकाल लेगा, तेजी तेजी में निकाल लेगा, इतना तो कोई वो नहीं है इससे दिक्कत के लिए निकाल पाएगा ये वो। इसमें पता क्या होता है, इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसमें एक चीज़ ना प्रीमियम नहीं भरते, क्योंकि नीचे इतनी आ गई ना तो प्रीमियम भरने के बड़े रिस्क होते हैं, तो इसलिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे ट्रेड लेने का तुम्हें।